ओके सो क्या हो हम पास्ता मतलब बिना गैस के बना दें, मतलब गैस समझ रहे हो ना यार, विदाउट फ्लेम का यूज़ करें हम पास्ता बनाएं। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए एक मग। अब यार यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैंने यहाँ पढ़ लिया ट्रांसपेरेंट ताकि आप लोगों को साफ दिखे। फिर हमने उसके अंदर डाला पास्ता। ओके जो भी तुम्हारा फेवरेट है तुम वो डाल लो। फिर उसके अंदर डालो उसका मसाला, वही वाला डालना। तो यहाँ पर मैंने ना ये वाला पास्ता लिया, क्या बोलते हैं इसको, नाम नहीं आ जा रहा है इसको, काफ़ी तरह के पास्ता होते हैं, जो तुम चाहो वो ले लो। फिर इसमें डालो दूध। अब यार पानी का यूज़ नहीं करना इसमें, ज़रा सा भी दूध का यूज़ करो। और करना क्या है, अच्छे से मिक्स करो। अब यार हम गैस तो चला नहीं सकते, चलो खाए में कुक करेंगे। बताता हूँ किस चीज़ में हमने कुक करा है इसको। तो हमने यहाँ पर लिया है माइक्रोवेव और उसमें लगा दिया इसको 5 मिनट के लिए कुक होने के लिए। अब यार ये बिल्कुल सेम मैक एंड चीज़ जैसा फ्लेवर करेगा। अगर तुम मैक्रोनी लोगे तो मैक्रोनी ले रहे हो ना, अब यहाँ पर क्या करना है चीज़ को कट कर लो। इट्स ऑप्शनल यार, अगर तुम डालना चाहो डाल दो, वरना तो इतनी कोई झंझट वाली बात नहीं है। हमारा यहाँ पास्ता जो है बिल्कुल रेडी हो चुका, देख रहे हो तुम। बिना गैस यूज़ करें मम्मा की डांट से बचने के लिए, मतलब डांट तो डांटेंगे नहीं यार, मतलब तुम्हें थोड़ा बर्तन बर्तन धोने तो पड़ेंगे ना उसके बाद में। तो बस उससे बचने के लिए हमने यहाँ पर ये वाला पास्ता बना लिया। अब इसको इन्जॉय करो, बहुत टेस्टी टैम्पटिंग सा लग रहा था। तो यार रात के 12:30 बजे मैंने वाली वीडियो बनाई थी और उस टाइम में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला पास्ता, तो आप ज़रूर ट्राई करना इसको। और यार यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ और डालनी थी इसके ऊपर, ये बिल्कुल पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर तुम चाहो तो डालना वरना बिल्कुल इसे स्किप करना। तो चलो अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की, देखते हैं जो मेन चीज़ है वो कैसा है। तो चलो यहाँ पर टेस्ट करते हैं इसको। तो यार टेस्ट तो इसका ऑसम है, तुम इसको ज़रूर ट्राई करना। ट्राई कर नहीं कर अब तक तो ज़रूर करना। बाय।